लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैप्पी सोल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में मॉडल एक्ट्रेस पूजा बेदी ने इस इवेंट की शुरुआत अपने लाइफ से जुड़े किस्से सुनाकर की। उन्होंने कहा कि लाइफ में हम हर चीज अपनी चॉइस से खरीदते हैं, इसके बाद भी खुश नहीं रहते। हमें अपनी चॉइस पर हमेशा खुश रहना चाहिए और उस पर सोच विचार कर फैसला लेना चाहिए। जी, एक्चुअली मैंने कई फिकी फ्लो चैप्टर्स के यहाँ पर ये वर्कशॉप्स की है। मैंने जयपुर में भी की है, मैंने कोलकाता में भी की है, आज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अगले महीने मैं अहमदाबाद में कर रही हूँ। तो ये वर्कशॉप जो है बहुत पॉपुलर हो रही है, क्योंकि ये एम्पावरमेंट वर्कशॉप्स है। और इस वर्कशॉप्स के द्वारा जिन महिलाएँ यहाँ पर आती हैं, या जिन जन मेल फीमेल दोनों जो मेरे वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं, उनको एक लाइफ कोपिंग स्किल्स का जो स्ट्रैटेजीज दिया जाता है, कि आजकल के ज़माने में इतने सारे परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, प्रेशर्स हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, यू नो, इतने सारे इश्यूज जो है हमारे लाइफ में बढ़ते जाते हैं, और सोसाइटी जो है इतनी बदलती जा रही है, लोग उतने जल्दी बदलते नहीं हैं, तो उसमें बहुत स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ज़माना इतना बदल रहा है लेकिन लोग साथ साथ नहीं बदल रहे हैं। तो हमारे वर्कशॉप्स जो है लोगों को अपनी ताकत दिखाती है, ये भी दिखाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को कितनी जल्दी और आसानी से बदल सकते हैं अगर वो चाहते हैं। तो एक ज़माना था जब औरत जो थे सिर्फ घर में ही रहते थे, अभी वो काम करती हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं। पहले एक प्री मैरिटल सेक्स का बड़ा टैबू था कि जल्दी होके, यू नो, 13 साल की हो गई शादी करा दो जल्दी से। अब ये नहीं होता, अब 30-40 उम्र तक लड़की जो है शादी नहीं करती है, उनको अपना करियर चाहिए, अपने चॉइसेस चाहिए, अपनी लाइफ जीनी है, वगैरह वगैरह। और ये सब हमें फिल्मों में भी दिखता है, क्योंकि फिल्म रिफ्लेक्ट सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे। सी, आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में हम सब डिप्रेशन के शिकार हैं। किसी को डिप्रेशन है, सैडनेस है, एंगर है, किसी ना किसी चीज़ को लेके हम हैप्पी नहीं है, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। सो पूजा ने हमें जो वर्कशॉप बताई है, इट इज़ लाइक अबाउट हीलिंग योर लाइफ। हीलिंग योर लाइफ मे बी हमें लाइफ में किस चीज़ की अगर कमी, किसी चीज़ की महसूस हो रही है, मे बी वो कमी ना हो, मे बी इट इज़ द वे हम उस प्रॉब्लम की तरफ देख रहे हैं, वो हो सकता है वो प्रॉब्लम ही ना हो। सो पूजा ने हमें वो बताया कि कैसे हम अपना थॉट्स चेंज करके हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। एटीट्यूड चेंज होते ही हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। हम अगर किसी चीज़ को बुरी नज़र से देख रहे हैं तो हमारे लिए वो बुरी हो जाती है और हमारे लिए बैड वाइब्रेशंस देती है। एंड इफ़ वी लुक फॉरवर्ड टू दैट थिंग कि वाओ, आई हैव एवरीथिंग, आई एम सरप्लस, आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, सो हमारी ज़िंदगी में वैसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी ज़िंदगी में आती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू लुक एट द थिंग्स, इट इज़ अबाउट हीलिंग योर लाइफ। वी हैव टू चेंज योर एटीट्यूड टू चेंज योर लाइफ।